7 न्यूज, नवादा ट्रक ने ई रिक्शा को रौंदा, दो बच्चे समेत 3 की हुई मौत, 5 लोग हुए जख्मी। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को किया जाम। घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। नवादा में गुरुवार को NH 31 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंबिका बिगहा गांव के पास गिट्टी लदा एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने सवारी लदे ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दिया। इस घटना में ई रिक्शा पर सवार 2 बहनें समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि मृतक बच्ची के पिता समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए विम्स पावापुरी में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों की स्थिति चिंताजनक बताया जा रहा है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 31 को जाम कर जमकर हंगामा किया। सदर SDO उमेश कुमार भारती, सदर SDPO उपेंद्र प्रसाद तथा मुफस्सिल थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर पवन कुमार दंगल के साथ घटना स्थल पर पहुंच सड़क जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर तथा मृतक के परिजनों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 20,000 रुपए का चेक देकर सड़क को जाम से मुक्त कराया। वहीं पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मंजौर गांव निवासी मदन साहब के पुत्र मिथिलेश साहब अपने परिवार के साथ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सोनसेहारी गांव एक शादी समारोह में शिरकत करने गए थे। गुरुवार की सुबह मिथिलेश अपने परिवार के साथ वापस लौटने के लिए ई रिक्शा से नवादा आ रहे थे, तभी झारखंड से गिट्टी लाद कर आ रहे ट्रक ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे रिक्शा पर सवार मिथिलेश की 10 वर्षीय पुत्री रिया कुमारी, उसकी भांजी गोविंदपुर थाना क्षेत्र के डुमरी ग्रामीण प्रदीप साहब की 12 वर्षीय पुत्री पिन्नू कुमारी तथा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आमीपुर गांव निवासी स्व मौजी मांझी की पुत्र परमेश्वर मांझी की मौत हो गई, जबकि मृतक रिया के पिता मिथिलेश साहब, मंजौर गांव निवासी प्रमोद कुमार के पुत्र शाहिल कुमार, वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के वारिसलीगंज बाजार निवासी अनिल साहब के पुत्र आयुष कुमार, अनिल साहब की पुत्री अनुष्का कुमारी तथा शेखपुरा जिलानगत शेखपुरा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी रविंद्र कुमारी के पुत्र बिट्टू कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए विम्स पावापुरी में भर्ती कराया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर गहरी संवेदना व्यक्त की है। नवादा से सुरेश राय की रिपोर्ट। मार्केटिंग के लिए और उसी में सबका घायल हो गया। गिट्टी गाड़ी था डुमचार्ज की, उन्हें आकर टक्कर मार दी है। 2-3 टोटो और टेम्पो 2 और 6-7 लोग के घायल हो गए। 3 का स्पॉट पर ही मृत्यु हो गया।